स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में आपको पेपर के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर रेगुलर सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में इंग्लिश का पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आप क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दीज क्वेश्चन। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सबसे अच्छी चीज यहां पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कविता डैश फेस एन इंटरव्यू टूडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज टू। क्या हो जाएगा बच्चों? हैज टू। कविता हैज टू फेस एन इंटरव्यू टुडे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डैश आई कम इन मैडम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन आई कम इन मैडम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, ही राइट्स डैश इंक, ही राइट्स इन इंक। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर इन आएगा, इन आपको यहाँ पर भर देना है, ही राइट्स इन इंक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आप देख सकते हैं, आई से टुडे डैश वन आइड मैन। तो यहाँ पे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा आई सॉ टुडे, यहाँ पे आई सेड बोल दिया था मैंने, आई सॉ टुडे आ, यहाँ पे देखिए आ भरना है आपको, आ वन आइड मैन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ आप देख सकते हैं, देयर इज डैश मिल्क इन द पॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिक्स आप देख सकते हैं, डू यू हैव डैश बुक ऑन दिस टॉपिक। तो इसका आंसर होगा डू यू हैव एनी बुक ऑन दिस टॉपिक। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन सेकेंड आप देखिए, यहाँ से बी डू एज डायरेक्टेड आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आई सो अ मैन हु वॉज वियरिंग अ ब्लू कैप। द अंडर क्लेम्ड, यहाँ पे देखिए द अंडरलाइन क्लॉजेस इज, और इसके बाद यहाँ पे अनॉन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। और इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेटिव क्लॉज, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सेकेंड आप देख सकते हैं, डैश द टीचर केम इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, ही डिनाइड दैट ही हैड रिटन द लेटर द अंडरलाइन क्लॉज इज। अब यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन फर्स्ट है नॉन क्लॉज, सेकेंड है रिलेटिव क्लॉज, थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नाउन क्लॉज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आपको दिख रहा होगा अब। तो क्वेश्चन फोर्थ है, डैश ही वर्क, ही वर्क्स हार्ड, ही विल नॉट पास। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर होगा अनलेस, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से सी थर्ड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा वॉज टॉट बाय हर। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कस्तूरबा वॉज टॉट बाय हर हस्बैंड। तो यहाँ पे हर हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर, हस्बैंड आपको लिख देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी मेक एन इंस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपील, मेक एन इंस्टेंट अपील। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड आप देख सकते हैं, इन द ओपिनियन ऑफ द वाइज सेंट अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मैन ऑन द अर्थ इज डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है हिज ओन गुड सेंस, सेकंड है हिज करेज, थर्ड है हिज फिजिकल पावर, फोर्थ है हिज स्मार्टनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स हिज ओन गुड सेंस। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन द ओपिनियन ऑफ द वाइज सेंट अ फ्रेंड ऑफ अ मैन ऑन द अर्थ इज हिज ओन गुड सेंस। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, किंग विक्रम वेंट आउट इन disguise because he wanted to check on his subjects।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखिए डूएस डायरेक्टेड यहाँ पर भी आ चुके हैं और इस डूएस डायरेक्टेड में यहाँ पे जो आपकी बुक है बुक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं द राइटर ऑफ द पोएम टुडे एंड टुमारो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे ई कारपेंटर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है द पोएम एम आई अ चाइल्ड डेपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ आ टीनेजर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पैसेज आ चुके हैं, पैसेज आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और अगर पैसेज आपसे नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इनके आंसर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स अब आप कमेंट करेंगे कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में हम ऐड नहीं हैं, ऐड कैसे होना है, तो मैं आपको सबसे पहले प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वन स्टडी गैर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी और आपको साथ में अपना नंबर भी शेयर करना है। आप अपना नंबर सेंड करेंगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जो हमारे टीममेट्स हैं वो आपको ऐड कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप पैसेज देख सकते हैं, पैसेज पूछा गया है तो पैसेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं खुद से। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए और इसका आंसर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट्स के पेपर हैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन आए हैं, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आ चुके हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाइए।